करें शुरू टॉपिक। टॉपिक अपना चल रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट ना बोलकर इसको क्या बोले तो बेटर है, नरेशन। ठीक है, एग्जैक्ट तो नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो टाइप्स है, नरेशन के टाइप्स है। टॉपिक नरेशन। ठीक है भाई, काफ़ी सारी चर्चाएं हो गई थी, बेसिक चीज़ें थी वो अपनों ने कर ली थी, लगभग आने के तरीके कैसे हैं, है ना, हो गए थे सारे। एक पार्ट बचा हुआ है, पर्सन हो गए हैं, टाइम एंड डिस्टेंस हो गए हैं। ठीक है, बचा हुआ पार्ट कौन सा है, टेंस वाला बचा हुआ ना, है एग्जांपल्स। ठीक है, करवा देंगे इसके मिक्स साथ में करवा देंगे टेंस वालों के। चलिए सॉरी, टेंस चेंज। डालिए जरा हेडिंग टेंस चेंज, एक तरफ लिख लेना है डायरेक्ट, एक तरफ लिख लेना है इनडायरेक्ट, एक तरफ डायरेक्ट और एक तरफ इनडायरेक्ट। कि डायरेक्ट में कौन सा टेंस होगा तो इनडायरेक्ट में वो बदल जाएगा। ठीक है, और ये की जा रही है किसकी बात, डायरेक्ट के रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब की, रिपोर्टिंग स्पीच की बात की जा रही है। यानी कि ये जो पार्ट होता है ना, टेंस कौन से वाले बदलेंगे, इसमें वाले, इसके वाले, है ना, कि डायरेक्ट के रिपोर्टिंग स्पीच में अगर ये टेंस होंगे तो इनडायरेक्ट के स्पीच में कौन से बन जाएंगे वो है। ठीक है, वी वन एस या ई एस कौन सा बनता है, प्रेजेंट सिंपल है ये, कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल है। वी वन हो या एस और ई एस लगा हुआ हो, अब तो समझ में आने लग गया होगा ये कि क्या चीजें हैं दोनों, है ना। वी वन बोले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वेरी गुड, और एस और ईएस लगा दिया जाए तो सिंगुलर फॉर्म है पर फर्स्ट फॉर्म की है वो। ठीक है, तो आप इनडायरेक्ट में इसको बदल दोगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि सब्जेक्ट तो लगेंगे ही, वो तो लिखने जरूरी नहीं है, मैं ऐसे लिखूं तो ये कोई जरूरी नहीं है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ ग्रामर में कहाँ आती है, पास्ट सिंपल में ही आती है, बस ओनली पास्ट सिंपल में। ठीक है, यहीं पे आती है, तो इसको तो अब ऐसे समझने लगो, पास्ट सिंपल। ओके, ठीक है। दूसरा है कि अगर डायरेक्ट में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखा हुआ, कहाँ आते हैं, ऐसा टेंस कौन सा बनता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनता है, आईएनजी आ गया तो कॉन्टिन्यूस बनेगा। ठीक है, और पास्ट का कॉन्टिन्यूस कौन सा होता है, वोजी एवर होता है, तो इज एम आर कन्वर्ट इन टू वोज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी में कन्वर्ट हो जाएगा। शाबाश। अब चलते हैं आगे, तीसरा रूल, अगर हैज और हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज हुई, कौन सा टेंस बनेगा, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। एक बताइए बोलकर, ये हाँ आप बताओ, अनिल आप बताए, अनिल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा, तो पास्ट परफेक्ट अनिल क्या होगा, वेरी गुड, आ जाएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, ठीक है, फोर्थ नंबर रूल ये कहता है कि अगर डायरेक्ट में आपको ये मिल जाए, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए, यानी कि पास्ट परफेक्ट मिले, तो ये चेंज नहीं होता, नो चेंज रहता, इसी का इसी में ही चेंज होगा। यानी कि इनडायरेक्ट में भी आप क्या करोगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इतने फटाफट उतार लीजिए, फिर अपने आगे करते हैं। ठीक है भाई, टॉपिक चल रहा है नरेशन, नरेशन के कुछ पार्ट्स हो गए हैं, कुछ पार्ट्स बकाया हैं जो कर रहे हैं अपने। कल पर्सन चेंज यानी कि प्रोनाउन चेंज किया था और टाइम एंड डिस्टेंस चेंज किया था, एक चेंज बचा हुआ था जो आज कर रहे हैं।
ओके चार हो गए। अब सपोज दैट करो कि यहाँ पर फिफ्थ नंबर रूल ये कहता है कि डायरेक्ट में आपको रिपोर्टिंग स्पीच में मिलता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो अब ये वापस उसी में बदलेगा ना, सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस एस और ईएस में उसी में बदल जाएगा। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसने बदली थी, सेकंड फॉर्म में। अब डायरेक्ट में अगर सेकंड फॉर्म आ जाए तो वो किस में बदलेगी, फर्स्ट में बदल जाएगी। ऐसे नहीं बदलेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, इतना अन्याय नहीं करेंगे किनके साथ, नरेशन के साथ, ठीक है। अब इसको उसी में थोड़ी बदलना है, आप बनाने क्या जा रहे हैं, आप बनाने जा रहे हैं इनडायरेक्ट, बनाने जा रहे हैं आप डायरेक्ट थोड़ी बनाने जा रहे हैं, इनडायरेक्ट बनाने जा रहे हैं। ये भी किस में बदलेगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए मैं बताता हूँ आपके बात कहानी क्या थी। कहानी ये है कि आपसे पूछा गया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस किस में बदलेगी, आपने बता दिया कि सर सेकंड फॉर्म में बदलेगी। ये डायरेक्ट था ये इनडायरेक्ट था, अब आपको ये डायरेक्ट में दे और इनडायरेक्ट बनाने के लिए बोले तो आप ये बनाएंगे, इनडायरेक्ट दे ये वाला और कहे कि डायरेक्ट में बना दीजिए, तो इसमें इसमें डायरेक्ट तो ये बन जाएगा, बट मान लो कि डायरेक्ट में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है तो आप इसको इसमें थोड़ी बदल दोगे। अब ये नहीं सर, नहीं मैडम अब वो आगे बताएंगे आपको, ये समझ में आया। तो वी वन बदलेगी सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म बदलेगी हेड प्लस थर्ड में, ठीक है। हाँ चलिए आगे चलते हैं। सिक्स नंबर कहता है कि अगर हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ मिले आपको, कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। हैज हैव मींस प्रेजेंट हो गया, बीन मतलब परफेक्ट बन गया और आईएनजी मतलब कॉन्टिन्यूअस बन गया, ये बदल जाएगा हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी में कन्वर्ट हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। सिक्स हो गई है, सेवन नंबर ये कहता है मुडाल पे चलते हैं, कैन बदल जाएगा कुड में, ठीक है। एट नंबर नो विल बदल जाएगा वुड में, एक बार इतने उतार लीजिए, उतार लीजिए ना एक बार इतने। ओके कैन चेंज इन कुड, विल चेंज इन वुड, शैल किस में बदलेगा, शैल शुड में बदल देना, शैल चेंज इन टू शुड। मे किस में बदलेगा, मे चेंज इन टू माइट, मे बदलेगा माइट में, बस इतने ही मोडाल बदलेंगे। आगे जो बच गए मोडाल कौन कौन से बचे हैं, एक तो 11 नंबर बचा है कौन सा, मस्ट, मस्ट देखिए, मस्ट की थोड़ी सी कहानी है कि ये रह सकता है मस्ट में भी और जा सकता है हैड टू में भी, मस्ट दोनों में बदल सकता है, मस्ट मस्ट में रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अन्यथा मस्ट को हैड टू में बदल दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिचुएशन के हिसाब से नहीं है, देखो आपको ऑप्शंस, आपको ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है, उन ऑप्शंस के अंदर आपको चेक करना है कि आपको हो सकता है कि मस्ट मस्ट में भी मिलेगा एक ऑप्शन और एक मिल जाएगा हेड टू में, तो फिर आपको गलतियां और देखनी है कि इसके साथ और जो चीज़ें लगी वो सही लगी हुई या गलत लगी हुई, हेड टू बदलेगा ठीक है या फिर मस्ट वाला सही होगा, दोनों में से कोई एक सही होगा, कहने का मीनिंग है इतना पता होना चाहिए कि मस्ट मस्ट में भी चेंज होता है और हेड टू में भी चेंज होता है। ओके 12 नंबर, अगर डायरेक्ट में कुड दे दिया जाए तो बदल जाएगा किस में, कैन में, नहीं बदल पाएगा ना, हाँ ऐसे समझना इनको,
विपरीत नहीं होंगे एक दूसरे के, ऐसे भी इसको इसमें बदल दो इसको इसमें बदल, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर डायरेक्ट में आपको कुड मिला हुआ है तो ये नो चेंज रहेगा, इसको बदलेंगे ही नहीं, जैसा डायरेक्ट में है वैसा इनडायरेक्ट में उतार देंगे। कहानी से डायरेक्ट में सर देखो, अगर आपसे पूछता क्या है वो डिपेंड उस पे करना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पूछ रहा है या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट पूछ रहा है। अगर इनडायरेक्ट में शुड दिया है और आपसे पूछता है कि इसका डायरेक्ट बताइए, तो आपको शैल लगाना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, और अगर अगर आपको डायरेक्ट के अंदर मान लो शुड दे दिया, क्या दे दिया, डायरेक्ट में शुड दे दिया, अब इसको आप शैल में थोड़ी बदलोगे, अब इसको शुड में ही रखोगे, ये नो चेंज रहेगा। ठीक है, हाँ, तो एक मस्ट हो गया, एक कुड हो गया, एक शुड हो गया और एक वुड हो गया। 14 वुड, ये भी क्या होता है, नो चेंज, यानी कि वुड का वुड में ही रखेंगे। तो मोडाल को आपको कैटेगरी के हिसाब से थोड़ा सा रीड आउट करना पड़ेगा, कैन कुड में बदलेगा, विल वुड में बदलेगा, शैल शुड में बदलेगा, मे माइट में बदलेगा, ये चार तो एक दूसरे में बदल जाएंगे। ठीक है, अब जितने भी बचे हुए हैं वो चेंज नहीं होंगे, नो चेंज रहेंगे। ठीक है, और दूसरा आपको देखना है कि हेड जो है ना वो काफ़ी चीज़ों में बदल रहा है, काफ़ी जगह पे आया हैड इनडायरेक्ट में, है ना, एक हेड अभी और भी आएगा देखना, उतार लिए क्या ये। ठीक है, एक हेड और भी आएगा। इज एम आर आई एन जी किस में बदला था, इज एम आर आई एन जी किस में बदला, वोज वर में बदला था, बट अगर डायरेक्ट में आपको वोज वर आ जाए प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ जाए तो किस में बदले, आई एन जी में बदले, नहीं बदले, इसको बदलेंगे हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, इसमें चेंज करेंगे इसको। ठीक है, ठीक है जी, ये टोटल हो गए 15 ग्रामर टेंस के रूल्स। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए, आसान है, मुश्किल नहीं है। ओके, ठीक है, तो अब आपने एक बार के लिए तीनों चीजें सीख ली हैं, कौन सी, पर्सन चेंज और टेंस चेंज और टाइम चेंज। ठीक है, टाइम चेंज जरा बताना, आप बताओ दियर किस में बदले, दियर टी एच ई आर ई दियर, हियर में बदल जाएगा। ठीक है, हाँ, वी किसके अनुसार चेंज होगा, हाँ वी किसके अनुसार चेंज होगा, कुछ क्वेश्चन देता हूँ, कल किसी एकेडमी ने एक एग्ज़ाम लिया था, उसी एकेडमी के कुछ क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, ठीक है, उनको सॉल्व करते हैं, आपको भी पता चले कि कैसे कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, हालांकि ये थोड़े लेवल कम ही हैं इनके, इतने ज़्यादा है नहीं, एसएससी में थोड़ा सा लेवल और बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन है, जोन सेज आई शैल गो देयर, बदलो फटाफट, आपको बदलने में ऑप्शन नहीं दूंगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट है रॉबर्ट विल से टू मी, विल से टू मी आई एम योर क्लासमेट, आई एम योर क्लास मेट, सहपाठी, क्लासमेट होता है सहपाठी, साथ में पढ़ने वाला मेट,
एक थोड़ा सा इंटरेस्टेड है राहुल सैड टू मी वी आर मॉर्टल वी आर मॉर्टल पहले तीन कीजिए फिर आगे चलेंगे. बोलना रिपोर्टिंग फॉर में जो भी लेवल चेंज होगा क्या? आई डोंट नो. उसमें भी था ये पता नहीं. हाँ इसका एक बार आप अपने तरीके से करो हैंडल. लास्ट में तो चलो मैं तो आंसर दूंगा ही दूंगा बट आप तीनों को करने की कोशिश करो. कितने कर पाते हो? कौन से में सर? रॉबर्ट आर ओ बी ई आर टी लास्ट में आर ए आर ई आर मॉर्टल एम ओ आर टी एल मॉर्टल यानी कि नाशवान. हम मॉर्टल है मॉर्टल यानी कि एक दिन नाश हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे. फर्स्ट जोन सीज आई शैल गो देयर यानी कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है गलत होने वाली नहीं चाहिए ये तो. नेक्स्ट है सेकंड रॉबर्ट विल से टू मी आई एम योर क्लासमेट. सारी चीज़ें करवाई हुई हैं आपको क्लास में. ये पिछली दो क्लासें निकली है इनके अंदर सारा डिस्कशन हुआ है. थर्ड राहुल सेड टू मी वी आर मॉर्टल यू हैव डन वेरी गुड. अनिल करो 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 बस थोड़ा सा समय का ध्यान रखें बाकी कोई दिक्कत नहीं है. बस इतने बनाने आ गए ना आपको अपने आप इट मीन्स क्वेश्चन गलत नहीं होंगे क्योंकि वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे. यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए गए हैं. ऑप्शन होता तो शायद आप भी इनमें से सही कर सकते थे. इरफान कितने बना दिए? दो तीसरे का. हाँ करो करो बस ठीक है. इतना टाइम तीन क्वेश्चन के लिए. शर्मा जी हुए कितने हुए हैं? एक तो हुआ होगा. फर्स्ट वाला तो बहुत ही आसान है. कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन में. कुछ भी नहीं करना बस वो एक ही चीज़ है इसमें. ठीक है ना क्या करना है? एक तो ये करना है इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट लगाना है. दूसरा फर्स्ट पर्सन आया इसलिए यहाँ पे जॉन है. जॉन का जेंडर क्या है? ही करना है. शैल को शुड में बदलें? नहीं बदलेंगे सर क्योंकि यहाँ पर अगर प्रेजेंट सिंपल है प्रेजेंट ये मैंने बातें बताई थी आपको. yes, यहाँ पर अगर प्रेजेंट सिंपल है तो इनडायरेक्ट स्पीच हाँ स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा. किया है किसी ने? इरफान कर दिया होगा. देयर को बदला है? किस में बदला है? हियर बदल दिया. वेरी गुड. यही था बस. जोन सेज दैट आई ही है ना ही तो ये कीजिए फिर. ये तो करना ही पड़ेगा. ही के साथ तो शायद लगता ही नहीं है. नहीं किया तो गलत हो गया फिर. यही तो बोला ना है तो दोनों ही फ्यूचर. अरे फ्यूचर है या नहीं है? तो फ्यूचर है तो फिर आई के साथ शैल आ रहा था बट सब्जेक्ट अब क्या बन गया है? ही बन गया. तो क्या शैल एक्सेप्ट करोगे? नहीं करेंगे ना. क्या करेंगे? विल करेंगे. सबका ही प्रॉब्लम है मतलब क्वेश्चन गलत है. ये रिपोर्टिंग जो स्पीच है ये चेंज होगी किसमें? रॉबर्ट का रॉबर्ट आ जाएगा. विल से टू मी है लिखा हुआ है तो क्या होगा? विल टेल मी. विल टेल मी इतना तो करना पड़ेगा. किया है? ठीक है. टेल के लिए कंजंक्शन कौन सा? दैट लगा देंगे. आई फर्स्ट पर्सन है. रॉबर्ट एक नाउन है ठीक है बट इसका एग्जैक्ट प्रोनाउन क्या बनेगा? ही बन जाएगा. क्या बन जाएगा? ही. टेंस चेंज होगा?
नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर सिंपल लिखा हुआ है. कंडीशन सिर्फ एक है, यहाँ चेंज होगा, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड. जब पहले वाले पार्ट में पास्ट सिंपल आएगा तभी टेंस चेंज होंगे, अन्यथा टेंस चेंज नहीं होंगे. ठीक है, कुछ भी नहीं करनी है, फ्री के नंबर है. ही के साथ आप एम नहीं लगा सकते, क्या लगाना पड़ेगा? ही इज. अब योर है, योर यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, ही के लिए योर नहीं आता, ही के लिए हिज आता है. क्या आता है? हिज क्लासमेट. क्या देगा? हिज क्लासमेट. योर को चेंज किया, किया है, वेरी गुड. अब आई, ही और योर का क्या मीनिंग रहा फिर? ही के साथ योर थोड़ी आएगा. योर किससे बना हुआ है? तुम्हारा, है ना. अब ये बोल रहा है कि हिज के लिए बोल रहा है तो हिज आ जाएगा, ही के लिए हिज आ जाएगा ना. अरे हाँ या ना? बस तो छोटी सी बात थी, ये धीरे धीरे जाके आपको समझ में आने लगेगी. लास्ट पे चलते हैं. राहुल टोल्ड, क्या करना है? टोल्ड मी करना है, हटाना और क्या लगाना है? दैट. ठीक है, अब ये जो बात है ना, ये वो कहते हैं ना अपने कि यूनिवर्सल ट्रुथ, सुना है? सार्वभौमिक सत्य है. वो क्या है? मॉडल यानी कि नाशवान, एक दिन मर जाना है. ठीक है, तो कहते हैं ना सूरज पूर्व में उगता है तो पश्चिम में छिपता है, तो ये सच्चाई है. ये सच्चाई है. नमक पानी में घुलता है, क्या साइंटिफिक फैक्ट है? घुलता ही है, फैक्ट है ये, है ना. पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने शुरू हो जाता है, क्या फैक्ट है? है ये. पृथ्वी चारों ओर घूमती है, क्या फैक्ट है? तो ये भी तो एक फैक्ट है, मरेंगे एक दिन सारे, है ना. तो फिर इसको चेंज नहीं करना है, इसको चेंज नहीं करना. अब ना एक जरा सा ध्यान रखना, एक बात का जरा सा सुन लो रे, एक बात का जरा सा ध्यान रखना. ये जो वी आया, कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है. ये किसी में चेंज मत करना, इसको सेम टू सेम ही उतारती है. वी का मैंने कल की क्लास में भी बोला था, सुन तो लो. कल की क्लास में भी मैंने ये भी बोला था कि वी से लेकर बहुत सारे कंसम्पशन है, कंसम्पशन यानी कि अपवाद है. ठीक है, और एक अपवाद ये कि ये चेंज नहीं करता, सिर्फ आई चेंज करेगा. ठीक है, सेम टू सेम लिखेंगे. वी के साथ क्या आ गया? वॉज लगा दीजिए. अब ये सर यूनिवर्सल ट्रुथ में नहीं होता क्या चेंज? क्या ये वी? वी नहीं, ये कहीं पर भी नहीं होगा. वी कहीं नहीं. हाँ, सेम टू सेम. अब ये वॉज सही लगाया है क्या, ये बताओ पहले तो. हाँ सर, ये बिल्कुल सही लगाया है, कोई दिक्कत नहीं है. दिक्कत तो है क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ कभी चेंज नहीं होगा, कभी चेंज ही नहीं होगा. तो आर लगाओ ना. कहने का मतलब तीनों गलत है, एक भी सही नहीं हुआ है. कहने का मतलब तीनों रॉन्ग है ना. बस तो थोड़ी बहुत देखो, जहां जब ये गलतियां सुधर जाएंगी ना, उस दिन पेपर में कोई गलती होने के चांसेस नहीं बचेंगे. देखो मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको, ठीक है ना. उस दिन तुम आए नहीं थे, यही तो बोलते हैं ना कि रेगुलर आओगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी. मैंने तीन कंडीशन बताई थी, ठीक है. कौन सी कंडीशन? तीन बताई, एक दो और तीन. डायरेक्ट के सेंटेंस ऐसे ही होते हैं अक्सर. ठीक है, आपको तीन टाइप के डायरेक्ट के सेंटेंस मिलते हैं. ठीक है, फर्स्ट मिला कि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस. ठीक है, एक में मिला है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इन दोनों को किसी भी तरीके से समझ सकते हैं, या तो समझ सकते हैं कि प्रेजेंट सिंपल मिले या फ्यूचर सिंपल मिले, ये समझ लो, या फिर समझ लो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस, विल और शैल फर्स्ट फॉर्म मिले. तो जब इनके इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनके टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे. यहाँ पर इज है तो इनडायरेक्ट में भी क्या लिखेंगे? इज ही लिख देंगे. यहाँ अगर वॉज है तो इनडायरेक्ट में भी क्या लिख देंगे? वॉज ही लिख देंगे. कहानी समझ में आई? बदलेगा कब? जब सब्जेक्ट प्लस वी सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट हो या ना हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है. ठीक है, कौन सा बना? फास्ट सिंपल बना. अब यहाँ पर अगर इज है तो क्या आएगा? वोज में कन्वर्ट हो जाएगा. आर है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा. इस तरीके से तो टेंस सिर्फ एक स्थिति पर बदल रही है. कौन सी कंडीशन? ये वाली कंडीशन. और मैंने जो तीनों सेंटेंस दिए हैं उसमें दो तो इन दोनों पे बने हुए हैं, एक इस पे बना हुआ है ना. तो टेंस सिर्फ किसके, इसका भी चेंज क्यों नहीं हुआ है? ऑब्जेक्ट आए तो मतलब, हाँ सपोज दैट इसके साथ ऑब्जेक्ट है. ठीक है,
तो जो सेड सेड अब ये क्या होगा कि यहाँ पे मान लो सेड लिखा हुआ है, ये सेड किस में बदल जाएगा, टोल्ड भी बदल जाएगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही वापस लिखेंगे। कहानी समझ में नहीं आई, ठीक है, यहाँ एक बार और समझ लीजिए। हाँ क्या चेंज किया था, नहीं चेंज नहीं हुआ था, मैंने तो नहीं किया, या आपने चेंज कर लिया क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट ही नहीं है। अगर लिखा हुआ है जैसे ही से, ठीक है, उसके बाद कोमा इन्वर्ट कोमा शुरू हो गए हैं, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसको सेम टू सेम लिख देंगे, ही से ही लिख देंगे, ठीक है, और दैट लगा देंगे। इतनी बात समझ में आई। अगर लिखा हुआ ही सेज टू मी, यानी कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, अब क्या करेंगे, ही सेज बदल जाएगा, टेल्स मी, टू कभी नहीं लगता इसके साथ, सीधा क्या लाएंगे, मी लाएंगे, ठीक है। यहाँ पर सैड है तो सैड आ जाएगा, सी है तो सी आ जाएगा, सॉरी टेल आ जाएगा, ओके। अरे हाँ या ना, ठीक है, तो रिपोर्टिंग बता देना, रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें वो सब्जेक्ट है ना, वो किसके थ्रू बदलता है एक बार वो बता, ये वाला। अगर यहाँ पे आई और वी हो, यानी कि फर्स्ट पर्सन ये होते हैं, ठीक है, वी का कंसेप्शन है, इसको दूरी रखो एक बार, आई मान लो, ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ सब्जेक्ट होगा ना, इसके अकॉर्डिंग बदलेगा, और बदलेगा कहाँ, दैट लगाओगे उसके बाद में जो सब्जेक्ट आएगा ना वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर यू आया हुआ है, सब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यहाँ पर लिखे हुए ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, ठीक है। अब देखो कुछ सेंटेंस में यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट मिलेंगे, कुछ सेंटेंस में नहीं भी मिलेंगे, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। मिला तो उसके अकॉर्डिंग बदल दो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ मी, फिर तो किस में बदल जाएगा, आई में बदल गया। मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, फिर भी आप यू को या तो अपनी सुरक्षा मतलब अपने थोड़े फायदे के लिए तो इसको आई में बदल दो या फिर वी में बदल दो, यू को यू में नहीं रखेंगे। कहानी समझ में आ रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे ही शी इट है और दे हैं तो वो नो चेंज रहेंगे, वो बदलेंगे नहीं। हाँ भाई, हाँ। आगे समझ में, क्वेश्चन और दूँ, ठीक है। इस बार कम गलती होने के चांसेस होने चाहिए, ज़्यादा नहीं, इससे थोड़ा सुधार और करना है, ठीक है। एसएससी में मान के चलो 5-7 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे। ही सेड टू मी ये है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, आप किस तरीके से इसको बदलते हो वो देख लेना है। आई एम रेडी ये हो गया आपका रिपोर्टिंग स्पीच, ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, चेंज इनटू द इनडायरेक्ट। सोनिया सैड यू हेल्प माई सिस्टर, यू हेल्प माई सिस्टर, ओके। चलिए भाई, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, पॉसिबिलिटी बने कि सही हो, ये बस इस टेस्ट का ये सबसे शानदार क्वेश्चन है। द इंडियन इसको कौन चेंज करता है वो देखते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस सेज, ओके, वी शैल shall issue, बस इतना सही हुआ, इतने को चेंज कर दो तो भी काफी है। इतना अगर चेंज हो जाए तो इनफ है।
इज इन विच क्वेश्चन? तीसरे नंबर पे है. द इंडियन एक्सप्रेस से वी शैल इशू ISSUE इशू. इशू यानी कि मुद्दा. टेक योर टाइम. फर्स्ट क्वेश्चन इज ही सेड टू मी आई एम रेडी. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक नंबर फ्री का है, ठीक है ना. कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए ऐसे क्वेश्चन गलत ना करने की ही हिदायत दी जाती है कि ऐसे क्वेश्चन तो जरा गलत ना ही करें. दूसरा है सोनिया साइड यू हेल्प माई सिस्टर. बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये. लास्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है. द इंडियन एक्सप्रेस सेज कर दो इसको, सेज वी शैल इशू. क्वेश्चन आगे भी है पर मैंने यहीं तक लिखा, यहीं तक बना दो काफी है. यू हैव ओनली वन मिनट नाउ. ट्राई टू मेक देम करेक्ट. बस यहाँ पे तो शैल ही आएगा. इस जो ये क्वेश्चन दिए गए ना इसमें तो शैल करेक्ट है. आप इसको किस में ट्रांसमिटेड करते हो ये कहानी है. डन. इरफान एक बार तो अपनी ओर से तो ओके है ना, ठीक है. हाँ शर्मा जी हाउ मैनी. डन. अनिल तो कहाँ खोया हुआ है? आई और वी के साथ हमेशा शैल आता है. वहां पर ही यूज था इसलिए विल किया था ना, ही बन गया था वो. ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा. फर्स्ट की रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी ना, टोल्ड में बदल जाएगी. ही टोल्ड. टू हटाना है, क्या लाना है? मी लाना है. टोल्ड के लिए दैट लगता है, ठीक है. नाउ दिस इज द योर फर्स्ट पर्सन, है ना. किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? ही के ऑर्डर. सब्जेक्ट के ऑर्डर यहाँ लाइए ही, ठीक है. टेंस में चेंज अवश्य होगा क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म मिली थी, पास्ट था, इसलिए एम किस में बदल जाएगा? वोज में बदल जाएगा. और क्या लगा देंगे? रेडी लगा देंगे. तो आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है. अगर ये किसी ने किया है तो वो बिल्कुल ओके है, ठीक है. सोनिया साइड कोई भी चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम लिखेंगे. सोनिया साइड That लगाएंगे. कौन सा पर्सन मिला है? यू मिला है ना, यू मिला, सेकंड मिला है. तो ये किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार. बट आपको ऑब्जेक्ट मिला नहीं तो आप इसको खुद के खुद को लेकर चलिए. आई, ठीक है. वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है. हेल्प इज द फर्स्ट फॉर्म कन्वर्टेड इन टू द सेकेंड फॉर्म. किसमें हो जाएगी? सेकेंड फॉर्म. आई हेल्प्ड. क्या बन जाएगी? हेल्प्ड. माई चेंज होगा. माई किसके लिए आया था? सोनिया के लिए था. किसकी सिस्टर की मदद की थी? सोनिया की सिस्टर की मदद की थी. तो सोनिया के लिए हिज आएगा या हर आएगा? हर सिस्टर. हर सिस्टर. बस इन्हीं इश्यूओं को खत्म करना है. अब इतनी सी चीजें बची हुई हैं, ठीक है. हाँ तो बनेगा सोनिया सेड दैट आई हेल्प्ड हर सिस्टर. आपने आई एम लगा दिया. फर्स्ट फॉर्म इज एम आर में थोड़ी बदल रही है, ऊपरी ऊपर लिखा था. हाँ हेल्प्ड. हाँ सेकंड फॉर्म बन जाएगी ना. किस हिसाब से बनी है? देखो टेंस चेंज का फर्स्ट रूल देखो, एक नंबर रूल. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो एस और ईएस हो तो वो किस में बदल जाएगी? सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी. तो ये थी आपकी फर्स्ट फॉर्म, बदल गई है सेकंड फॉर्म में, ठीक है. इस पार्ट को चेंज नहीं करना है, सेम टू सेम करें, ठीक है. बट इतना सा देखना है कि इंडियन एक्सप्रेस है, ये अपने आप में नॉन लिविंग सब्जेक्ट है आपका. किसका है? नॉन लिविंग. निर्जीव है ये, इतना तो पता है ना. नॉन लिविंग, ठीक है. यहां पर क्या लगा हुआ है? वी लगा हुआ है.
ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि वी कैसे बदलेगा, कैसे नहीं बदलेगा और कब बदलेगा कब नहीं बदलेगा। ठीक है, ये जो वी है फर्स्ट पर्सन है, ये किसके अनुसार बदलता है? अक्सर सब्जेक्ट के अनुसार। इतना तो पता है ना कि आई और वी सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। आपका सब्जेक्ट क्या है? इंडियन एक्सप्रेस है, नॉन लिविंग है। क्या है? नॉन लिविंग। और नॉन लिविंग के लिए सब्जेक्ट ओनली क्या लगता है? क्या लगता है? इट लगता है। क्या लगता है? इट लगता है। तो आप लगाएंगे दैट इट। इट के साथ शैल और विल? विल। वेरी गुड। इशू, आगे क्वेश्चन था वो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना सा समझाना था कि जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर नॉन लिविंग है और रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट अगर वी है, ठीक है, तो वो इट में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? इट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, एक तो ये ध्यान रखेंगे। मेरे ख्याल से ये इट में तो किसी ने कन्वर्ट नहीं किया होगा, इतना सोचा भी नहीं होगा ना। आगे से ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट टाइम समटाइम इट विल चेंज। मैंने बोला था ना कंसेप्शंस हैं, कंसेप्शंस यानी कि अपवादित है, ये अपवादी हैं इनके साथ। इन्हीं अपवादों को सॉल्यूशन करना है, इन्हीं का क्या करना है। ये तो बच्चे बच्चे को आने लगा है, मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव जाते हैं ना ये सारे सीख के जाते हैं। इतना तो आता है, क्यों नहीं आता है? प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? जैसे ये ऐसा क्वेश्चन मिल जाता तो थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता। ओके, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और दें, एक जस्ट वाओ, एक एक ही क्वेश्चन और देते हैं बस, उसके बाद आगे देखते हैं कुछ। ठीक है, फिलहाल तो टेंस वाले ही हैं ये सारे, टेंस पे डिपेंड थे आपके। चलिए आसान है बिल्कुल ही, मे भी आपके लिए और आसान होगा ये। दे सैड वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन। They cannot live without oxygen. शायद प्रॉब्लम सिर्फ एक ही आएगी, ज्यादा प्रॉब्लम इसमें है नहीं, आसान सा क्वेश्चन है। Decide, comma inverted comma, we cannot live without oxygen. सारी चीज़ें करवाई हुई हैं, कैन किस में कन्वर्ट होता है, किस में नहीं होता है। डन, वेरी गुड, हाँ जी डन, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज होगा? नहीं होगा, सेम टू सेम आ जाएगा। दे सैड कौन सा लगाएं? दैट लगा देते हैं, वेरी गुड। अब बताइए वी रखें या दे में बदलें? क्या किया है, चेंज किया या नहीं किया? यहाँ पे तो हो रहा था, यहाँ तो हुआ है, इट में गया, ये नॉन लिविंग है। ठीक है, लिविंग हो तब उन्होंने कहा कि वो नहीं रह सकते हैं बिना ऑक्सीजन के। क्या बोला उन्होंने? कहा कि वो नहीं रह सकते हैं बिना ऑक्सीजन के, तभी तो इनडायरेक्ट बनेगा ना। और वो को हम नहीं बोलते हैं, वो को दे बोलते हैं। तो दे, आप ये बात किसी तीसरे इंसान की बात बता रहे हो, यानी कि इनडायरेक्टली बता रहे हो आप चीज को। तो क्या बना? दे कुड नॉट, क्या करे? कुड नॉट, कुड नॉट लिव या लिव्ड? क्या आएगा? लिव।
दे कुड नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन, लिख देना बस एक ही है ये टेंस एंड टेंस के बेस पे चलेगा भाई। आप इसको ना पढ़ना है एक बार, वी जब सब्जेक्ट आएगा तो थोड़ा रुकना पड़ेगा यहाँ पर आपको कि किस में चेंज करूँ या ना करूँ। अभी इसने बोला है दिस साइड वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन, उन्होंने कहा कि हम नहीं रह सकते हैं ऑक्सीजन के बिना, ये तो हुआ डायरेक्ट। इनडायरेक्ट बनाओगे तो किसी दूसरे को बताओगे कि मैं वो कह रहे थे कि हम ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते हैं। कौन कह रहे थे? वो कह रहे थे। वो को इंग्लिश में वी नहीं बोलते हैं, दे बोलते हैं, है ना। तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर। कहानी है, हाँ ये कहानी हम बताएंगे, इसको उतार लो पहले फटाफट। सही किसका था ये जरा बताना। वन, वेरी गुड। और बोलिए क्या प्रॉब्लम थी? वी वाला ही प्रॉब्लम था। हाँ जी, ओनली वी का प्रॉब्लम है, ओनली वी का प्रॉब्लम बस। शर्मा जी क्या प्रॉब्लम थी? है आधा ही किया था क्या? चलो कोई बात नहीं है, ठीक है भाई। चलिए एक दो चेंज और कीजिए, थोड़े पहले आसान से शुरू करते हैं, सही होने शुरू तो कॉन्फिडेंस तो आए कि हम करने लगे हैं, ठीक है। हाँ, यू कैन गो टू जयपुर साइड राधा, बदलिए। सेकंड है दे ही विल कम टू मुंबई। सी इज हरी टू मी। बनाइए इन दोनों को। ये है रिवर्स, रिवर्स यानी कि उल्टे, ठीक है। जो पार्ट पहले होता उसको बाद में दिया है, जो बाद में होता उनको पहले दिया, यानी कि पहले रिपोर्टिंग वर्ब आती है, अपनों ने क्या लिखा है रिपोर्टिंग स्पीच लिखी है पहले बस। अगर आप इसको सही बनाना चाहो ना तो उसी तरीके से बना सकते हैं वापस, यहीं से बना दो इसको वापस, इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लेना, दैट के बाद लिख लो, आप अपने तरीके से बना सकते हैं इनको। जरूरी नहीं कि ऐसे ही टेढ़े मेढ़े आप बनाओ, आप सीधे बना दो। हो गए? इस बार तो आसान दिए मैंने, हमने सोचा चलो इरफान खुश हो जाए, वरना चेहरा उतर गया इरफान का दो तीन क्वेश्चन के बाद ही। कम से कम क्लास से निकले तो ऐसा लगे ना कि हाँ कुछ तो सही हुए हैं, वरना अनिल भी मायूस हो गया है, और मायूस बच्चे अच्छे नहीं लगते हैं। हो गए? चलिए करते हैं, टाइम अप होने वाला है, इतना टाइम ना लगाएं इन पे तो बेटर है। फर्स्ट में सीधा बनाएं इनको, वैसा बनाएं ना, शुरू से करते हैं। राधा सेड, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ठीक है। तो राधा सेड, ठीक है, आपका सब्जेक्ट क्या है? यू है, किस में बदल देंगे? दैट के बाद आए, आए। अब देखो सेकंड फॉर्म थी इसलिए कैन बदल जाएगा कुड में, आई कुड गो टू जयपुर,
ठीक है, राधा ने की कहा, राधा ने कहा कि मैं जा सकती थी कहाँ, जयपुर। बस सही है, आपका भी सही है, गड़बड़ कहाँ हुई? आई में नहीं बदला। अच्छा ठीक है, इसको उतारिए, इसको ऐसे उतार लेंगे। हरी हरी से है तो आप ही क्या कर देंगे, टेल्स, टेल्स कीजिए, सेज है ठीक है ना, सेज है, टेल्स मी। ये तो बन गई आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, दैट लगाएंगे, आपने भी लगाया होगा ठीक है। सब्जेक्ट आपका है ही, तो ही चेंज होगा नहीं, ही को ही रखेंगे ठीक है। यहाँ पे ना प्रेजेंट सिंपल, तो टेंस भी बदलने वाला है नहीं ठीक है। तो ही के साथ कौन आता है, विल ही आता है, विल लगा हुआ, कम टू मुंबई, सेम टू सेम लिख देना बस। अब इस सेंटेंस में तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ टेंस में, सिर्फ दैट लगा हुआ। रिपोर्टिंग कैसे, ऐसे क्या, हाँ वैसे बना लो चाहिए तो क्या दिक्कत है, वैसे ये तो मैंने आपकी सुविधा के लिए बना दी है, क्योंकि ऐसे सीखते आ रही है आज तक है ना, कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस और करेंगे, अभी ख़त्म कहाँ होने वाले हैं, कम से कम 3-4 दिन की प्रैक्टिस चलेगी। ये तो आसान है, अभी तो मुश्किल पार्ट भी आने बकाए हैं, बहुत मुश्किल मुश्किल पार्ट है इसके अभी तो, वो भी हैं इंटरोगेटिव वाले भी तो हैं, उनमें प्रॉब्लम आती है काफ़ी ज़्यादा, इनमें तो आनी नहीं चाहिए थी आपको जितनी आ रही हैं ठीक है। ये दोनों इसके हो गए हैं ठीक है, तो आज के पार्ट यहीं पर ख़त्म करेंगे, कल अपने में एक प्रैक्टिस करेंगे, किसकी, एक तो WH वर्ड्स की ठीक है, और एक इफ और वेदर वालों की, 20-20 क्वेश्चन उन दोनों पे करेंगे, 40 क्वेश्चन कम से कम उन दोनों पे करें, तब जाकर फ़ायदा होगा ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कल दोबारा से।